आइए, आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। ये DSM-5 में एक नई डायग्नोस्टिक कैटेगरी करके इसका नामोनिर्देश किया गया है। अभी इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर ये होता क्या है? इसमें व्यक्ति को वो डर रहता है कि मुझे कोई तो भी शारीरिक बीमारी है या शारीरिक बीमारी हो जाएगी, इसका उसका मन पूरा व्याप्त हो जाता है ये विचारों से। फिर उसको बहुत एंजाइटी रहती, चिंता रहती है, भय रहता है कि कुछ ना कुछ मुझे हो जाएगा। तीसरा, इसमें कुछ एक्चुअली बदन में कुछ भी तकलीफ नहीं रहती, मतलब बदन में कोई सिम्टम्स नहीं रहते, बदन के कोई भी हिस्से में कोई भी तकलीफ नहीं रहती, मगर उसको लगता है कि मुझे कुछ तो भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। और चौथा जो क्राइटेरिया है वो है कि मिनिमम 6 महीने तक यह लक्षण दिखाई देते तो इसको हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा कह सकते। अब इसका एक्चुअली कारण क्या है होने का, ये किसको कुछ पता नहीं है, मगर ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने, साइकोथेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इन्होंने देखा है कि पास्ट लाइफ में, बचपन में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसका परिणाम ये बीमारी में हुआ। अब क्या हुआ पास्ट लाइफ में? तो पास्ट लाइफ में हो सकता है कि बहुत गुस्सा है किसी के ऊपर, इसको खुद को क्रिटिसाइज किया गया, दोष दिया गया, उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स की गई और इसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गया। खुद के बारे में जो इमेज है, खुद की इमेज या कल्पना, वो बहुत लो है। या उसको रिजेक्शन का बचपन में अनुभव आया हो कि भाई उसको रिजेक्ट किया गया, या उसका एटीट्यूड एक रिवेंजफुल रहा गया कि रिवेंज, बदला लेने की भावना, या फिर खुद को शिक्षा देना, पनिशमेंट करना, वो एक भावना उसके दिमाग में आ गई। ऐसे अलग अलग साइकोथेरेपेटिक व्यूज है कि जिसके वजह से कहा जाता है कि बचपन में ऐसी कुछ तो भी घटना हुई कि जिसके वजह से ये बीमारी उसको भी बड़ा होने के बाद में आ गई। क्योंकि इसमें बदन में तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, मगर दिमाग में तकलीफ है कि उसको भय है कि भाई अभी मुझे बीमारी हो जाएंगी, है या हो जाएंगी। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कि भाई, एक तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, जब वो बोलता है कि मुझे बीमारी है तो चलो डॉक्टर के पास में बार बार लेके चलो, उसका चेकअप करो और उसको ऐसी तस्दी, मतलब दिमाग में ऐसा डालो कि ठीक है भाई कुछ नहीं है, चलो, तो जितने बार बोले उतने बार लेके जाओ, वापस लेके आ जाओ घर पे, तेरे को कुछ है नहीं। या फिर कुछ लोग बोलते कि नहीं नहीं उसको रेजिस्ट करो कि नहीं है, जाने का नहीं डॉक्टर की तरफ, ऐसा भी करो। कुछ पेशेंट ही खुद जाते नहीं है वो भय के कारण कि मुझे बीमारी है, और वो उल्टा बिहेवियर करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर की तरफ जाऊंगा और उन्होंने कुछ बताया मुझे बीमारी है तो फिर क्या, इसलिए वो जाते नहीं। इसमें कोई ऐसी स्पेशल मेडिसिन नहीं है, मगर हम मेडिसिन जो देते हैं वो है एंग्जाइटी कम करने की दवाई या डिप्रेशन कम करने की दवाई हम वो पेशेंट को देते रहते हैं। ग्रुप थेरेपी में इसका काफ़ी सारा फायदा होता है, क्योंकि ग्रुप थेरेपी से इसको काफ़ी सारा फायदा ये लोगों में दिखाई देता है, क्योंकि सब ऐसे ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, हर एक को सरीखी बीमारी है, मगर हर एक को ये पता लग रहा है कि सबको बीमारी होने के बावजूद भी उस किसी में कुछ निकल नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं, जांच करने में कुछ निकल नहीं रहा है, तो मेरे जैसे सब लोग ऐसे हैं और किसको भी कुछ एक्चुअली हुआ नहीं है, ये समझ के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ग्रुप साइकोथेरेपी है, फिर सेल्फ हिप्नोसिस है, स्वसम्मोहन, या फिर हम लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देते हैं कि आप कैसे हेल्दी हो, आपका मन कैसा शांत है, मन कैसा रिलैक्स है, आपको कितना अच्छा लग रहा है ना, और आपका मन एकदम शांत और संतुलित है, ऐसे आत्म सुझाव उसको हम देने के लिए बोलते हैं खुद को, और उससे भी इलाज होता है। तो ये इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट हो सकती है। अभी जो कोरोना का प्रादुर्भाव चल रहा है उसमें तो लोगों को भी ऐसा हो गया कि थोड़ी भी स्नीजिंग हो गया, थोड़ी भी खांसी आ गई तो लोगों, और थोड़ा ऐसा बुखार भी थोड़ा सा लग रहा है तो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे क्या हो गया, तुरंत लोग जाते हैं डॉक्टर की तरफ और खुद को चेकअप कर लेना चालू करते हैं। अब डॉक्टर भी ऐसे है, डर गए कि डॉक्टर बोलते नहीं भाई मेरे यहाँ क्यों रखो पेशेंट को, चलो अभी उसको ऐसा करो कि जहाँ कोरोना की जांच होती है वहाँ रेफर कर डालो, क्योंकि मैंने यहाँ रखा कल उसको कोरोना निकल गया, तो फिर रेफरल बढ़ गया अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जहाँ कोरोना की जाँच हो रही है। मतलब ऐसा बहुत सारा डर भय अभी फैला हुआ है, और ये इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो भी अलग रूप में अभी ये कोरोना के पेंडेमिक में दिख रही है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यदि आप लोगों को शेयर करते हैं तो काफ़ी सारा भय जो लोगों के मन में है बीमारी के बारे में या कुछ हो जाएगा वो निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।